ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ପ୍ରୋପ୍ୟାକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଘ ଓ ଫ୍ୟୁଚରଏକ୍ସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହଯୋଗର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯିବ উক্ত প্রদর্শনী পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ ওড়িশার সর্বপ্রথম প্যাকেজিং प्रिंटिंग खाद्य प्रक्रियाकरण कनभर्टिंग और प्लास्टिक टेक्नोलोजी प्रदर्शनी होस्मे पक्ष भुवनेश्वर स्थित एक सांबादिकमेल में उक्त प्रदर्शन उद्घाटन उत्सव में केन्द्र एमएसएमई मंत्रालय और राज्य एमएसएमई विभाग मंत्री तथा उच्चपदस्थ तो अधिकारी उपस्थित उठित रेस और राज्यर विभिन्न प्रांतर एमएसएमई उद्योगी जोगदेवे जो विभिन्न प्रकार सामग्री स्टल फुड ड्रिंक फार्मा कस्मेटिक प्याकेजिङ प्रिन्टिङ प्लाष्टिक समाग्री व्यक्तिगत पारिवारिक समाग्री र प्रोसेसिङ तथा पारिवारिक अंशीदार म समगम हो उक्त प्रदर्शनी प्रायः दुईश पचास रु अधिक स्टल रहेको उक्त साम्बादिक सम्मेलन ओस्मे अध्यक्ष गौरीशङ्कर दास महासचिव सात्यिक स्वई अतिरिक्त महासचिव अभिलास दास अर्थ सचिव आदिक राउत ओस्मे खोर्धा जिल्ला सभापति सालीन अग्रवाल तथा संघर अन्य कर्मकर्ता सभ्य प्रमुख उपस्थित थिए তখন একজিবিশন ওষার জেনে বি টু বি কনসেপ্টের হুয়ে নলেজ সেয়ারিং উপরে বেশি হুয়ে তো আমাদের চেষ্টা করছি যেমন নলেজ সেয়ারিং উপরে এক্সিবিশন করি বি টু বি কনসেপ্টের নু নো মানে নয় অন্টরপ্রেন কিছু উদ্যোগী অনেক বা কিছু করার চাহিদা প্লস একটি যে ইন্ডসিজগ গুড় অিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিক সেক্টর উপরে ফোকস করে করাছি প্যাকেজিং প্রিটিং प्लास्टिक आ, सेक्टर को फोकस करी करा ए ए टाइप एग्जीबिशन एक्जिबिशन तो से कौन हुए जेनरली लोको सी इज बिलीविंग जो कहू कौन देखली विश्वास करो तो लोग जो देखो आसिक दुई सौ प्रकार प्रडक्ट लगे आदर मुँह प्रडक्ट सर हम ये जो एग्जीबिशन है ये ओडिसा की आ, और यू कैन से ईस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होगी ये हम ओ एस एम ई के साथ मिलके इस एग्जीबिशन को कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भी इस एग्जीबिशन को सपोर्ट कर रही है और इसका जो टोटल आइडिया है इस एग्ज़िबिशन को करने का वो ये है कि उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट्स आए उड़ीसा में और मशीन फैक्ट्री सेटअप्स हों और हम चाहते हैं कि देश भर ही नहीं क्योंकि इस एग्ज़िबिशन में इंडिया और इंडिया के बाहर की कंपनीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं 300 प्लस स्टॉल्स हैं इस एग्ज़िबिशन में और 250 प्लस कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो इसमें बाहर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएगी इस एग्ज़िबिशन के अंदर और क्या होता है बहुत सारे ऐसे छोटे एस और एस होते हैं जो बाहर के देशों में जा नहीं पाते और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते या अडॉप्ट नहीं कर पाते मकसद इस एग्ज़िबिशन का वही है कि हम उन मशीनों को उस रॉ मटेरियल को ईस्टर्न इंडिया में लेके आएँ ताकि यहाँ पे और फैक्ट्री सेटअप्स हों और इन्वेस्टमेंट्स बढ़े क्योंकि उड़ीसा जो है आज की तारीख़ में हमारे देश का सबसे बड़ा रोल इकनॉमी में प्ले करता है